रेसिपी uh, कोई भी बनाई है आपने कोई भी डिश बनाई है तो उससे आप कितने पर्सनस के पोर्शंस निकाल पाएंगे दैट इज द रेसिपी ईल्ड टू डिटरमाइन हाउ मैने पोर्शन और रेसिपी ईल्ड कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द रेसिपी आइदर बाई वेट और बाई वॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन हाउ द पोर्सन साइज इज़ कैलकुलेटेड ये डिपेंड करता है कि आपने पोर्शन साइज कैसे कैलकुलेट करना है बाई वॉल्यूम करना है बाई वेट करना है नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग द रेसिपी ईल्ड इज़ वन ऑफ द की टू सक्सेसफुल फूड प्रिपरेशन एंड कंट्रोलिंग द फूड कोस्ट तो जो हमारा रेसिपी ईल्ड है ये हमारी एक हमारे लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल की है एक ही है हमारे लिए जिसके साथ साथ हमें फूड प्रोडक्शन में और फूड कोस्ट का दोनों चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि हमारी पर्टिकुलर अगर हमने एक बाउल डिश बनाई है कोई तो उस पर हमारा कितना खर्चा आएगा और उससे हम कितने पोर्शन निकाल पाएंगे द मेज़रमेंट गिवन इन द रेसिपी मस्ट बी फॉलो एग्जैक्टली वंस अ इल्ड इज़ नोन द प्रोपरली फॉलोड इट इज़ इजियर टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज़ ऑफ द रेसिपी बेस्ड अपॉन द ऑपरेशन चेंजिंग नीड्स अगर हमें यह पता लग जाता है कि वन बाउल से हमारे टेन सर्विंग हो जाएंगी मतलब कि दस पोर्शन निकल जाएंगे एक हमारे बाउल से तो हमें उसके अंदाजे से नेक्स्ट टाइम ये पता लग जाएगा कि अगर हमने टेन पर्सेंस को सर्व करना है तो हमारे को हाँ या हमारे एम्प्लॉयज़ को एक बाउल से ही सफिशेंट है और अगर हमारे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए हैं ट्वेंटी परसेंट है फिफ्टी परसेंट है हंड्रेड परसेंट है तो हम उससे मल्टीप्लाई करके अपना जो पोर्शन हैं रेसिपीज का है वो हम निकाल लेंगे ठीक है ये हमें हेल्प हो जाती है रेसिपी एल्ड से द मेज़र कोस्ट कंट्रोल डिवाइज इन द सर्विंग हमारे पास को जो कोस्ट कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने के लिए सर्विंग को कंट्रोल करने के लिए हमें पोर्शन कंट्रोल को सेट करना पड़ता है कि हमने पर्टिकुलर पर्सनस की प्लेट में इतना ही पोर्शन सर्व करना है उससे ज़्यादा नहीं करना कई बार क्या होता है ओवर पोर्शनिंग जब हम कर देते हैं तो उसके बाद वो अनफेयर हो जाता है कि मतलब किसी पर्सन को खाना मिलता है और किसी को नहीं मिलता और अगर हम अंडर पोर्शनिंग करते हैं अगर थोड़ा थोड़ा किसी के बाउल्स में सर्व करते हैं तो हम देखते हैं उससे कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होते उनकी भूख या उनकी नीड सेटिस्फाई नहीं हो पाती तो इसीलिए ना ही हमें अंडर करना चाहिए ना ही ओवर करना चाहिए हमें इक्वल यह आपके ये कि सेम हमें पोर्शन कंट्रोल हमारे ऊपर हमें कंट्रोलिंग टेक्निक्स हमें यूज़ करनी चाहिए हमें ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने चाहिए टूल्स ऐसे यूज़ करने चाहिए पोर्शन कंट्रोल में जिससे कहीं भी अनफेयर ना हो कस्टमर आपके सेटिस्फाई हो जो भी आप उन्हें सर्व कर रहे हैं कंट्रोलिंग पोर्शन साइज़ controlling portion is a very important for a restaurant to meet its standard food cost next tools that are essential for the accurate portion control include the scoops ladle serving spoons serving dishes ramekins bowl cups and so on portion scales also another mechanism for ensuring that portion are the right size is to proportion any item that can be pre portioned before the serving तो हमें कंट्रोल करना चाहिए अपने पोर्शन साइज के ऊपर भी उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं अपने टूल्स की जैसे कि डेडल्स हैं सर्विंग स्पूं हैं बाउल्स हैं कप्स हैं और मेजरिंग स्पून आपका है या आप इसको पोर्शनिंग स्केल बोल सकते हैं उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं जब भी हमने अपना कोई भी पोर्शन सर्व करना है पोर्शन कंट्रोल टूल्स फर्स्ट इज स्कूप्स वो इन दिस पिक्चर हुई हैव सीन नंबर ऑफ़ स्कूप्स ऑल्सो नोन एज द डिशर्स यूज टू द पोर्शन फ्रूट ओन्स एंड सेमी सोल्ड प्रोडक्ट्स ये स्पून हम यूज़ करते हैं सेमी लिक्विड चीज़ों के लिए सेमी सॉलिड चीज़ों के लिए या लिक्विड चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है और इन्हें हम डिशर्ट बोलते हैं पोर्शन यूज़ टू पोर्शन लिक्विड्स लैडल को मोस्टली हम यूज़ करते हैं लिक्विड पोर्शन के लिए यूज़ करते हैं और जो स्पून हैं वो हम सेमी सोल्ड सोलिड डिशेस uh, के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर हमारे पास पिक्चर में डिफरेंट साइजेस ऑफ़ लैडल्स हैं ये हम डिपेंड करता है कि हमने कौन से लेडल को यूज़ करना है कौन सा स्पून यूज़ करना है अपने मेन्यू के अकॉर्डिंग सर्विंग स्पून स्लॉटेड एंड सॉलिड्स स्लॉटेड यूज टू सेपरेट सॉलिड एंड सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड सॉलिड यूज टू सर्व सॉलिड एंड लिक्विड बोथ सर्विंग स्पूनस में भी हमारे पास देखिए इमेजेस हैं कईयों में ऐसे कई ऐसी लेडल्स हैं स्पूंस हैं हमारे पास सर्विंग स्पून जिनके अंदर होल्स हैं तो इट मीन्स जो ड्राई आइटम्स हैं जैसे कि हमने मिक्स वेज हैं या कोई ड्राई वेज है हम उसे जब सर्व करते हैं तो हम होल वाली ये पिन अपनी लेडल जो है सर्विंग स्पून है ये यूज़ कर लेते हैं इससे क्या होता है जो भी उसके अंदर एक्सेस ऑयल होता है वो नीचे रह जाता है और हम सॉलिड जो फॉर्म है उसे उठा लेते हैं डिश को और जो हमारी सिंपल जो सर्विंग स्पून है वो उसमें हम कई बार सॉलिड और लिक्विड दोनों को हमने उठाना होता है तो वो वाले हम सर्विंग स्पून यूज़ करते हैं मोस्टली हम ये सभी चीज़ें मैरिज पार्टी में देख सकते हैं बर्थडे पार्टीज़ में हम दे सकते हैं जहाँ भी अभी हमारा बफे होता है रेमिकिन्स ये हमारी डिशवेयर्स हैं रेमिकिंस या उसके अलावा कैसरोल्स रेमकेंस जो जो आपके छोटे छोटे बाउल्स होते हैं जिसमें हम ग्रेवी के लिए यूज़ करते हैं रायते के लिए यूज़ करते हैं ये सभी चीज़ें हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इससे हमारा पोर्शन कंट्रोल रहे ठीक है जब आप छोटे छोटे बाउल्स जब आप सेट कर देते हैं आपने बफे पे तो आपका जो कस्टमर है या गेस्ट है वो उतने ही बाउल में अपनी डिश को डाल सकता है उससे ओवर नहीं डाल सकता ये इसीलिए कंट्रोल हो जाता है हमारा पोर्शन के ऊपर तो इसीलिए हम ये पर्टिकुलर आ, स्पूंस रेमिकिंस, बाउल्स और कैसरोल यूज़ करते हैं दूसरी हमारी इमेजेस कैसरोल की हैं जहाँ पर हमारे नंबर ऑफ पीसीज ऑफ बन्स हैं ब्रेड का है टिपिकली राउंड और ओवल शेप्स एंड रेंज इन साइज़ फ्राम फाइव टू ट्वेल्व ऑनस तो इसके साइजेस में भी फ़र्क रहता है ये डिपेंड करता है आपके बफे के ऊपर आपके मेन्यू के ऊपर कि आपके गेस्ट ने कौन सा इसमें से आपको सर्विंग स्पून या बाउल उन्होंने सेलेक्ट किया है अपने पर्टिकुलर पार्टी के लिए कप्स एंड बाउल्स टिपिकल होल्ड फोर टू सिक्स ऑन्स एंड बाउल्स टिपिकली होल्ड सिक्स टू टेन ऑन्स ये हम हमारे हमारे मेजरिंग स्पून और कप्स और बाउल्स यूज़ किए जाते हैं जब भी हम अपना पोर्शन बनाते हैं जब भी हमें कोई मेन्यू प्रिपेयर करना होता है तो हम इस क्वान्टिटी को ध्यान में रखकर इन मेजरिंग स्पून और बाउल्स और कप्स की हेल्प लेकर अपनी रेसिपी को प्रिपेयर करते हैं इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमने नंबर ऑफ पोर्शंस कितने बनाने हैं प्रोड्यूस करने हैं और कितने हमने सर्व करने हैं ये सभी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं पोर्शन कंट्रोल में थैंक यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आर चैनल